अगर दोस्तों आपके कूलर में भी इस तरह करंट आता है ग्रिल पर, तो आज मैं आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह आपके ग्रिल पर करंट आता है। जैसा कि दोस्तों इस कूलर पर करंट आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि हम इसे आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। तो इसमें बहुत भयंकर करंट आ रहा है दोस्तों, आप लोग इस करंट को किस तरह बचा पा सकते हैं दोस्तों, तो आज मैं इसके सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों फर्स्ट सॉल्यूशन ये होता है, आप चाहते हैं कि इसमें पानी की मोटर करंट दे रही है। दोस्तों पानी की मोटर हमने चेक कर ली है, पानी की मोटर से यह करंट नहीं आ रहा है। दोस्तों यह करंट आता है दोस्तों बड़ी मोटर से, इसमें बड़ी मोटर है उससे करंट आ रहा है। और दोस्तों ग्रिल पर क्यों आ रहा है दोस्तों, आप लोग को यही हम बताने वाले हैं, तो आप लोग को बड़े ध्यान से देखना होगा ग्रिल पर करंट क्यों आ रहा है। तो ग्रिल पर करंट इसलिए आता है दोस्तों, जब एक कूलर चलता है तो कूलर बार की तरफ पानी फेंकता है, तो वो पानी इस ग्रिल पर आता है। और ग्रिल पर पानी आने के बाद दोस्तों जो करंट आपके जो मोटर के होती है, मोटर के भीतर भी पानी जाता है, तो इस तरह इसमें करंट आता है। तो करंट आने के साथ साथ दोस्तों इस पर ग्रिल पर कुछ जो रज जम जाती है, तो उस रज के कारण इसमें करंट आना लग जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें करंट आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप लोग अपने बड़ी मोटर को सही तरीके से सुखा लेंगे, अगर पानी ना फेंके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, तो आपका कूलर करंट नहीं देगा। मैं दावा करूंगा आपका कूलर करंट नहीं देगा। अगर आपके ग्रिल में करंट आता है तो आप लोग अपनी मोटर को घर पर सुखा लें, और फिर आप लोग अपनी मोटर के चारों ओर इस तरह पन्नी लगा दें या कुछ तरह लगा दें, तो आपके में करंट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।